किंग्स लेट्स गो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल। आज हम ऐसे स्थान पे आए हैं जहां पे भगवान के महावाक्य उचारे जाते हैं, जिसको श्रीमद् कहा जाते हैं। तो चले दोस्तों, जो विशाल प्रोग्राम है वो भी हम देखते हैं। यहां पे भगवान को प्यार किया जा रहा है, उनकी अच्छी खातिरी किया जा रहा है। ये जो विशाल प्रोग्राम है ये 17 एकड़ में बनाया है बोलते, और यहाँ के जब हमने भक्त से इन्फॉर्मेशन निकाली तो पता चला कि इसका जो प्रोग्राम का जो खर्च है 1 crore के ऊपर है। तो इतना विशाल ये सभा मंडप है। चलिए देखते कैसा है। बहुत ही विशाल सभा मंडप है और इसको सजाया भी बहुत अच्छे तरह से है। हम देख रहे हैं सुंदर। चले भगवान के दर्शन कर लेते हैं और फिर हम आपको ये सारा सभा मंडप और यहाँ का जो मैनेजमेंट है वो सारा दिखाते हैं। थिंग्स लेट्स गो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ निखिल, ट्रैवलर ब्लॉगर। आज हम ऐसे स्थान पर आए हैं जहाँ पे बहुत बड़ा सोहड़ा हो रहा है और उसका नाम है श्रीमद् महावाक्य निर्वचन सोहड़ा, और ये नायगांव बुडली में है और ये अचलपुर तालुका में आता है, अमरावती डिस्ट्रिक्ट में। तो बहुत बड़ा सत्संग होने वाला है दोस्तों। तो आज हम आपको इस सत्संग के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाले, तो आप भी यहाँ पे आ सकते हो। तो चले दोस्तों, हम आपको पूरा जो सत्संग है वो दिखाने वाले। ये सारा जो प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे उनका नाम है आचार्य भास्कर जी महाराज। तो चले उनको मिलते, देखते वो हमको मिल पाते कि नहीं मिल पाते। वो यहाँ पे लोगों को मिलते हैं और ये उनका बैठने का स्थान है। जब हमने उनसे मिलने की बात किया तो पता चला कि वो अभी ही विश्राम करने गए, उसके कारण हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। ये जो विशाल प्रोग्राम है ये 15 जनवरी से स्टार्ट हुआ है और ये 15 फरवरी तक के 2023 में इसका एंड होगा। माना ये जो प्रोग्राम है 1 महीने का है। ये भोजन कक्ष है जहाँ पे जितने भी प्रोग्राम सुनने के लिए, सत्संग सुनने के लिए यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे भोजन लेते हैं और उनके लिए सुविधा भी की है। अगर किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो उनको यहाँ पे हॉस्पिटल, छोटा सा हॉस्पिटल की अरेंजमेंट किया हुआ है। इस हॉस्पिटल की एक विशेषता है, यहाँ पे किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लिया जाता है और ये सारे सेवा के अर्थ किया जाता है। यहाँ पे अलग अलग सेक्शन रखे हुए, जो जितने भी भक्त मंडली आते हैं तो यहाँ पे वो रहने के लिए उनके अरेंजमेंट किया जाता है। चले दोस्तों, रहते हैं तो कैसे, यहाँ पर ही वो रहते हैं और यहाँ पर ही वो खुद भी खाना बनाते और ये सेवादारी कक्ष है। हम आपको पूरा कक्ष दिखाने का प्रयास करते हैं। ये अपना भोजन बना रहे हैं। सब मंडली बहुत खुश है यहाँ पे। ऐसा लग रहा है कि सारी दुनिया को भूल करके भगवान की याद में खोए हुए हैं और यहाँ का वातावरण अच्छा है। फिर चले हम जो यहाँ पे पूजा पाठ किया जाता है तो इसको हम दंडवत प्रणाम भगवान को कहा जाता है, तो हम भी दंडवत प्रणाम करते हैं। ये सारे भगवान के मूर्तियां हैं और सब भगवान की ही याद में लीन हुए हुए हैं। कितने प्यार से भगवान को याद करते हैं और भगवान की ही याद में सारे जो है लीन हुए हुए हैं। तो ये श्रीमद् महावाक्य का स्टडी कर रहे हैं। तो माना जो भी सिखाया जाता है और आपको जो भी पढ़ना है यहाँ पे वो स्टडी करते हैं। और ये रहने के लिए जो भी सत्संगी यहाँ पे आते हैं उनकी ये अरेंजमेंट है, अच्छी अरेंजमेंट की हुई है, अच्छा लगता है। मेन इस सत्संग का उद्देश्य है कि आप भगवान को याद करें, आप भगवान की ही याद में लीन हो जाए और आपका जो लक्ष्य है मोक्ष पाने का वो यहाँ से आपको मिल सकता है। और इसीलिए जो श्रीमद् महावाक्य जो होते हैं वो यहाँ पे गुरु के द्वारा उच्चारे जाते हैं और भगवान का यहाँ पे जो है सेवादारी कक्ष में आप देखेंगे कि कितने अच्छे प्यार से भगवान को याद कर रहे हैं, उनके ही नामस्मरण कर रहे हैं, उनको ही प्रार्थना कर रहे हैं।
और उनके ही इसमें खोए हुए हैं। माना अपना भाग्य को वो बना रहे हैं, वो अपना निर्माण कर रहे हैं, यहाँ पे वो शिक्षाएं दी जाती है। तो ये आप भी यहाँ पे आकर के शिक्षा ले सकते हो और आप इसको देखने भी आ सकते हो। तो उसके बाहर ही जब निकलते हैं तो हम जो भक्त मंडल है उनको जो भी चाहिए सामग्री यहाँ पे आपको मिल सकती है। वैसा ये जो प्रोग्राम हमें जो देखने को मिल रहा है इसका एक स्थान होता है, लेकिन इस बार यह अचलपुर तालुके में आया हुआ है तो हमें ये प्रोग्राम देखने को मिला। तो आपको ये प्रोग्राम पूरा सुनना है तो आप भी यहाँ पे आ सकते हो। जिस समय हम आए थे उस समय ये प्रोग्राम नहीं चल रहा था, इसलिए हम आपको पूरा जो सत्संग है वो सुना नहीं सके। लेकिन आपको ये वीडियो कैसा लगा, और भास्कर महाराज जी हैं उनको भी आप मिल सकते हो, और कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो। हम चाहेंगे कि आप वीडियो को लाइक और शेयर क्यों नहीं करते। अगर आपको अच्छी नहीं लगा तो वीडियो को जरूर देखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को भी दबा देना। समझ में आया दोनों क्या चाहते हैं? आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। अभी के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।